एमपी से हैं आदित्य हमारे साथ। स्वागत है आदित्य जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं आ रही यार। अब आ रही है? आपने टीवी का वॉल्यूम हेलो, खोल रखा है, उसे बंद कर दीजिए। हेलो। हाँ जी, आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि काफी टाइम से मतलब दाद की शिकायत है। दाद की? जी ठीक है, और कोई दिक्कत? जी 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 ओके सर। जी 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 मैम, आवाज कम कर दें टीवी का वॉल्यूम। जी अरे अब तो हमारा काम हो गया, अब तो चाहें तो बढ़ा लें आवाज़ को। और देखिए आदित्य बिरला जी, आप इतना करें कि जो आपके घर में खाने का सोडा है ना, ये ज़रा सा चुटकी में पानी में मिला के उस दांत पे लगा लिया करें, और इतना सा ही आधा चुटकी पानी में मिला के पी भी लिया करें, इससे आपका दांत ठीक होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से अगले कॉलर हैं अजय हमारे साथ। स्वागत है अजय आपका। थैंक यू मैडम। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी आंखें ना लाल रहती हैं। मेरा केस ऐसा है कि मैं बचपन में एक दिन हाथ धो के सीधा आंखों में पानी में छींटे मारे तो वो साबुन थोड़ा ज्यादा रह गया, उस समय मुझे हो गई एलर्जी। उसके बाद काफी डॉक्टरों से इलाज करवाया, वो एलर्जी तो नहीं गई, कम हो जाती थी। फिर डॉक्टर साहब की एक प्रोग्राम में मैंने मुंडी भुट्टी नामक दवाई का सुना, वो भी मैंने ढूंढ ली, कहीं से जाके मिली। अब पिछले 4 साल से मैं खा रहा हूँ। फिर मुझे ये भी था कि डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था, हकीम साहब ने, कि ज्यादा नहीं खाते, मैं साल में 1 या 2 ही खा रहा हूँ पिछले 4 साल से, और अभी भी मेरी आंखें लाल रहती हैं, और थोड़ी देर खुली रहे ना तो गर्म सी हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर के लिए मुझे बंद करनी पड़ती हैं। मैंने गाजर का जूस भी पी लिया, गाजर भी काफी खा ली, फर्क काफी पड़ गया मेरे को। ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ा, बहुत फर्क पड़ा है। अगर हकीम साहब इसके ऊपर भी कोई और बताएं तो बहुत मेहरबानी होगी। और वैसे मेरे पास मुंडी भुट्टी दवाई अभी भी पड़ी है, वो मैं खा रहा हूँ, वो भी साल में 1 बार, 2 जो दाने होते हैं वो 2 खा रहा हूँ, और यही मेरी प्रॉब्लम है कि आंखें की जोत कम है, गर्म हो जाती हैं, लाल रहती हैं, ये ही मेरी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अपनी एज बता दीजिए। मेरी 50 जी। हाँ देखिए, एक शेर याद आ रहा है, किसी का आंखों पर बात हो रही है कि झील अच्छा है, झील अच्छा है, कंवल अच्छा है कि जाम अच्छा है, झील अच्छा है, कंवल अच्छा है कि जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। तो देखिए, आंखों का वाकई बहुत ख्याल रखना चाहिए, और आप इतने अच्छे व्यूवर्स हैं कि मेरे बताए हुए सभी नुस्खे आपने इस्तेमाल किए और कुछ से आपको फ़ायदा भी हुआ। तो मुंडी बूटी तो हर महीने 2 खाया करिए, मैंने साल में कुछ लोगों को बताई थी, लेकिन आपकी समस्या ज़्यादा है तो हर महीने 2 खाया करिए, ठीक है। और ये गाजर का जूस आप पीते रहिए रोज़ाना 1, और इसमें आपको डालना है गौन मोरिंगा 1/2 ग्राम, वो भी असली वाला सफ़ेद गौन मोरिंगा। सफ़ेद आता है, एक लाल लाल आता है वो नहीं लेना, गौन मोरिंगा सफ़ेद आना, और रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसाया भी नहीं लेना, 1/2 ग्राम इसमें मिला के जब आप पिया करें। आपकी समस्या काफ़ी बड़ी है और देखने में छोटी लगती है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो बचा कुचा फ़ायदा रह गया उसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, गया से अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका, नाम बताइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हम भागलपुर से बोल रहे हैं। और आपका नाम? मेरा नाम सुगंधा। जी बताइए, अपना सवाल करिए। जी बताइए मैम, लगता है आपने टीवी का वॉल्यूम तेज कर रखा है, अगर आपने जल्दी से जल्दी सवाल नहीं किया तो आपका कॉल कट हो जाएगा, आप सवाल कीजिए। वॉल्यूम मेरा कम खत्म है, नहीं है वॉल्यूम, मैं बहुत दिन से ट्राई करना चाहती थी। हाँ। दिन टाइम से बात करने के लिए। जी मैं सुन रहा हूँ, आज लगा है बहुत दिन। सवाल क्या है आपका? दिन के बाद लगा। मैम आपका सवाल क्या है? 2-3 साल से सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम। धन्यवाद आपका सवाल। आज जैतून का सिरका मैं मंगाई हूँ,
जी जी पीना है। अच्छा कैसे पीना है? ठीक है, देखिए जैतून का सिरका 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर पिया करें, और शुगर है तो 2 बार भी ले सकते हैं। पेट के मसाइल के लिए है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए है, और ब्लड प्रेशर के लिए है, इन्फेक्शन के लिए है, और बहुत सारे फ़ायदे लीवर के लिए है, और जो लोग डायबिटीज़ से प्रेरित हैं पीड़ित हैं, मेरी हिंदी ज़रा अच्छी नहीं है, जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनको ज़रूर पीना चाहिए। ये डायबिटीज़ के होने वाले नुकसान से बचाता है, जो हमारी किडनी ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, हमारे लीवर पर या हमारे दिल पर असर होता है। डायबिटीज़ में कब दिल का अटैक आ जाएगा कुछ पता नहीं, डायबिटीज़ को ऐसे स्थिर करके रखता है। और आपको जो डायबिटीज़ की दवाएं नुकसान देती हैं उनसे बचा के रखता है, क्योंकि डायबिटीज़ की दवा ज़िंदगी भर खानी है, तो ज़िंदगी भर एक ऐसी चीज़ साथ हो जो उनके नुकसान को रोक ले, आप ये लिया करिए। बहुत धन्यवाद, बहुत दिन में 3 साल में फ़ोन लगा है, लेकिन मैंने आपकी पूरी बात का जवाब दे दिया। चलिए यूपी से अगले कॉलर हैं, राम नरेश हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए सर। मुझे दाद हो गई है, दाद। ठीक है, दाद कितनी उम्र है, कब से है राम नरेश जी, कब से है? हो गई कम से कम 6 महीने हो गए। अरे बाप रे, 6 महीने तो बहुत वो नहीं है। और मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ राम नरेश यादव जी, देखिए दाद के लिए जो खाने का सोडा होता है ना किचन में, वो ज़रा सा पानी मिला के उस पर लगाया करिए, और आधी चुटकी ये सोडा पानी मिला के पी भी लिया करिए, बहुत से लोग इससे ठीक हो जाते हैं। और आप 2-3 हफ्ते ही करके देखें, मुझे उम्मीद है यादव साहब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो देखिए सिर्फ 2-3 हफ्ते ही आपको ट्राई करना है ये नुस्खा, फिर आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा, बहुत आराम मिल जाएगा। दर्शकों आप लोग भी ऐसे ही हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपके टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताइए। जोगिंदर सिंह बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से। जी जोगिंदर जी बताइए। डॉक्टर साहब को मेरा मैं ये चाहूँ, जैसे ये मौसम चेंज होता है ना सुबह शाम, जैसे सुबह थोड़ा ठंडक होने लगती है तो मुझे वायरल हो जाता है तुरंत, और धीरे धीरे पता नहीं लगता। अच्छा उम्र बता दीजिए, एज आपकी? वैसे तो 45 के करीब लग रही है मुझे आपकी एज, बहरहाल बालिक तो पक्का है आप, एज नहीं भी बता सके तो कोई बात नहीं, हर बालिग आदमी के लिए ये बड़ा अच्छा नुस्खा है जो खुद बनाना चाहें, और मैं दवा भी आपको बताता हूँ, ताकि इससे इस वक्त ऐसे लोग बहुत ख़तरे में जिनको वायरल या फीवर या छींकें या खांसी या बलगम ये सब परेशानियाँ, उनको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। 5 बार गर्म पानी पीना चाहिए कम अज़ कम। और देखिए सपिस्तान उन्नाव अलसी 100 ग्राम और 30 ग्राम इसमें पीपलें पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी के साथ लेना आपके लिए बहुत मुफीद है। और माजून आर केयर भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, सुबह शाम गर्म पानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, ऐसे लोग इस वक्त बहुत टारगेट पर हैं जिनको इम्यूनिटी की कमी है, जिनको इम्यूनिटी कमी है उनको ये सब सिम्टम्स होते हैं। जी गुड़गांव से ही अगले कॉलर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी, क्या नाम है? धारी सिंह जी। हाँ जी आपका सवाल। मेरे घर पेट साफ नहीं होता। कब से दिक्कत हो रही है ये? 2 महीने से कम। आपकी एज क्या है? 74 साहब। ठीक है, आपको अगर डायबिटीज तो नहीं है जनाब? नहीं है। अच्छा देखिए गुड़गांव वालों, और बहुत अच्छे किस्म का गुड़ लीजिए, या उससे भी हाँ गुड़ या खांड मिल जाए, खांड समझते हैं? हाँ जी।
खांड होती है ना, खांड वो गुड़ जैसी होती है लेकिन वो पाउडर टाइप की होती है, ये एक चम्मच खांड और आधा चम्मच ये सौंठ, अदरक का जो सूखा हुआ रूप होता है उसे सौंठ कहते हैं, आप तो सीनियर हैं हमारे, जानते होंगे। तो ये दिन में दो बार खाएं और पानी खूब पिएं, आप देखेंगे कि बगैर किसी दवा के भी आपका ठीक होना मुमकिन है। मैंने ये आपको इसलिए बताया, आप पुराने आदमी हैं, हर चीज़ जानते हैं, खांड मिल जाए तो बहुत बढ़िया, आपका गुड़ से भी अच्छा, गुड़गांव वालों ये इस्तेमाल करिए और फायदा उठाइए। जी बिहार से अगले कॉलर हैं अमन हमारे साथ, स्वागत है अमन जी। नमस्कार। हाँ जी जी, मैं बोल रहा हूँ, मेरे घुटने में हर पर दर्द रहता है। आपके? हाँ। एज क्या है आपकी? लगभग 15 साल। ओ, बहुत छोटे बच्चे हैं। आपके घर में कोई ऐसा है नहीं जो हमारी बात सुन रहा हो? अगर हो तो बहुत अच्छा है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, आप 15 साल के हैं, छोटे बच्चे हैं, और अगर किसी भी दवा से फ़ायदा ना हुआ हो तो कैप्सूल टी केयर रोज़ाना बस एक बार खाना है, कैप्सूल टी केयर, वो भी खाना खाने के बाद और बहुत सारे दूध के साथ कैप्सूल टी केयर लें बस एक बार। ये खुराक अगर आप 18 साल से ज़्यादा का होते तो हम आपको दो बार देते, आपको सिर्फ एक बार लेना है, याद रखें और फ़ायदा उठाएं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, और फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो तुरंत आपको इन बातों को फॉलो करना होगा जो हकीम साहब ने अभी आपको यहाँ पे बताई है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी स्वागत है आपका। हेलो। हेलो सुरेश जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तेज़ बोलिए। मैंने पेट खराब रहता है। ठीक है, आपका सवाल क्या है? पेट में गड़बड़ रहती है, पेट खराब गड़बड़ रहता है। पेट? जी हाँ, पेट खराब रहता है। पेट, सुरेश वाडेकर जी, पेट का अभी मैंने नुस्खा बताया था, वो तो आपने सुन ही लिया होगा। एक आती है खांड, एक आता है गुड़। अभी गुड़गांव वालों को मैंने एक नुस्खा बताया था, अगर आपको शुगर नहीं है तो वो ले सकते हैं, एक चम्मच खांड, गुड़ जैसी होती है, थोड़ी ये पाउडर टाइप की होती है, एक चम्मच खांड और आधा चम्मच सौंठ, दिन में दो बार खूब ज़्यादा पानी से खाइए और स्वस्थ रहिए। जी तो देखिए, बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पे उपचार बता दिया गया है। अगर आप इसका बहुत भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोगों को नुस्खे अपनाने होंगे, यूनानी आयुर्वेद से दर्श को आप लोगों को जुड़ना होगा। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हाँ जी, राम राम। हाँ जी बताइए, सचदेव जी बताइए, सवाल करिए अपना। मेरे पैर में, घुटनों में दर्द है। कब से? 2 साल के करीब है जी। आपकी उम्र क्या है? 65 साल है जी। ठीक है। हाँ देखिए, ये दर्द आपका ठीक हो सकता है अगर आप दो तीन बातों का ख्याल रखें। एक तो इस उम्र में ज़्यादा मेहनत ना करें, कोई बोझ ना उठाएं वज़न, और हो सके तो घर में वेस्टर्न टॉयलेट अगर हो तो उसका उसकी सुविधा आप हासिल करें। और गोंद, स्याह नाम का एक काला गोंद आता है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, असली असली लेना ज़रूरी है, 100 ग्राम ख़रीद लें, और 100 ग्राम आपका 3 महीने 10 दिन चलेगा, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, खाने के बाद बग़ैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से भी ले सकते हैं, या कभी पानी कभी जूस कभी दूध, ये 100 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाएगा कि आपका दर्द ठीक होना मुमकिन है। जी दिल्ली से एक अगले कॉलर हैं, इद्रीस हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए सवाल आपका। जी मैं बहुत पतला दुबला हूँ, मोटा होना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। इद्रीस भाई, आपकी उम्र कितनी है? 66 साल। अच्छा, आप इस उम्र में मोटा होना चाहते हैं? सर कमजोरी बहुत होता है, चलने में पैर में जलन सी होती है। ठीक है, एक नुस्खा है वो आप लीजिए, कम से कम 5 महीने तो ये जलन ये कमजोरी आपकी ठीक होना मुमकिन है, लेकिन आप इसे नारियल पानी से लेंगे,
लोगों को मैं इसे पानी से, जूस से या दूध से बताता हूँ, आप नारियल पानी से लें, आपके बॉडी में वलवला पैदा होगा। देखिए, एक गोंद आता है, गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, असली मिलना चाहिए, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है। ये 100 ग्राम खरीद के पाउडर बना लें और एक चुटकी में जितना आए, एक चुटकी या ज़्यादा ज़्यादा दो चुटकी, सुबह नाश्ते के बाद खा लें ऐसे ही। इसका पाउडर बना लें और रॉ मटेरियल ले लें और एक नारियल पानी पी लें, आपके जिस्म में ऐसा वलवला, ऐसा जोश, ऐसी जवानी आएगी और आप का नस नस और जोड़ जोड़ ताकत से भर जाएगा, सेहत भी आपकी ठीक होना मुमकिन।